ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज मैं एक ऐसा अनूठा यंत्र लेकर आया हूँ जिससे कि आप अपने किसी भी साथी, अपने किसी भी प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये करीबन 25 साल पहले या फिर 20 साल पहले की बात है। ये मुझे किसी बंजारों ने दिया था और वो बंजारे लाख ढूंढने के बाद भी मुझे दोबारा नहीं दिखे। पता नहीं, शायद से भगवान ही होंगे वो। तो कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको कुछ दे तो जाते हैं, लेकिन जब आप उनको ढूंढने निकलते हैं तो वो दोबारा मिलते नहीं हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं सैर कर रहा था बाजार में, तो एक बंजारों का झुंड कुछ जड़ी बूटियाँ बेच रहा था। मैं वहाँ गया कुछ जड़ी बूटी देखने, तो उन बंजारों ने मुझे ये तंत्र सिखाया था। और पहले तो मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 1 महीने बाद इसके जो परिणाम थे वो मैं आपको क्या बताऊं। यूँ समझ लीजिए कि आज भी मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो। क्योंकि ये जो तंत्र है ये इतना सटीक है कि एक बार किसी के ऊपर लगा दिया तो वो इंसान बच ही नहीं सकता। अगर कोई गोली से वार करे तो उससे बचने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये तंत्र किसी पे लगा दिया तो वो इंसान बच ही नहीं सकता। इतना सटीक है ये तंत्र। तो आपको करना क्या है कि एक शुद्ध भोजपत्र या फिर कोई भी पीले रंग का कागज़, ये दो चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है। या तो इस यंत्र को भोजपत्र पे बनाइए या फिर किसी पीले कागज़ पर। रविवार की रात्रि में आपको ये प्रयोग करना है। किसी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और ये यंत्र निर्माण शुरू कीजिए। और याद रखिए, जब भी यंत्र बनाएं, अगर आकर्षण का यंत्र है तो उसमें अनार की कलम यूज होगी। अपनी छोटी अनामिका उंगली की एक एक दो बूंद खून इसमें डालें और थोड़ी सी रोली होगी इसमें, थोड़ी सी अष्टगंध और अनार की लकड़ी, इसकी स्याही बनाकर आपको ये यंत्र निर्माण करना है। यंत्र निर्माण करते समय आपको ये ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो, आप अकेले हों। अगर आपके साथ कोई आया है तो वो भी ना रहे, आपको अकेले में ये सारा कार्य करना है। और आपका जो मुख है वो सूरज की तरफ होगा, जहाँ से सूर्य निकलता है उस दिशा में आपको अपना मुख रखना है। यंत्र निर्माण के समय अपने पास कुछ मीठी चीज़ ज़रूर रखें। जब यंत्र निर्माण हो जाए तो अपने नाखून और अपने साध्य व्यक्ति के नाखून इसमें मिला लें। अगर साध्य व्यक्ति के नाखून ना हो तो उसकी जगह पर आप सुपारी रख सकते हैं। इस यंत्र में ये सब लपेट कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और अपना मनोरथ स्पष्ट करें पेड़ को कि हाँ, मुझे ये चाहिए। ऐसा बोलने के बाद, आपका जो भी मनोरथ है वो बताने के बाद, आप बिना पीछे देखे अपने घर पे आ जाएं। और मेरा यकीन मानिए, ये प्रयोग आज तक विफल नहीं हुआ है। एक बार करके देखिए और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 9988416625 पर। धन्यवाद।